क्या नाम है जिनका? पता नहीं, मैं तो बस इनकी हेल्प कर रही हूँ, अकेली आई हूँ। माता जी थोड़ा ना की है? परमेश्वरी देवी। तो कितनी उम्र है थोड़ी? नहीं है। उम्र पता कौन आई? बेटे। अच्छा। तीन बेटे हैं। ठीक है। कैथल में सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है, जिसको लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा RKST कॉलेज के बूथ नंबर 147 को गुलाबी बूथ बनाया गया। इन पिंक बूथों में केवल महिला कर्मचारी हैं और उनको गुलाबी रंगों के गुब्बारों से सजाया गया है, जिसकी महिलाएं सराहना कर रही है। हमने पहले पुरुष व पहली महिला वोटर से बात की, जिन्होंने सबसे पहले वोट डाला है। उनका कहना है कि वोट डालना बहुत जरूरी है और सबको वोट डालना चाहिए। एक बुजुर्ग महिला परमेश्वरी देवी ने दिखाया अपना जज्बा। तीन बेटों की माँ है, पर बेटों की मदद का इंतजार नहीं किया और वोट डालने अकेले ही पहुँच गई। क्या नाम है जी आपका? सपना। सपना जी, आज ये पिंक पोलिंग बूथ बना रखे है, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक नई सी लुकिंग चीज को हमें हुआ है, जिससे हमें थोड़ा आने में भी अच्छा लग रहा है। तो वोट डाल के कैसा लग रहा है? सर वोट तो डालने के लिए हम कब से उत्सुक थे, आज जो वो मौका मिला उसे हम खोना नहीं चाहते, इसलिए आज सबसे पहले वोट डालने के लिए हम आए। तो जैसे कि लोग वोट नहीं डालते हैं, घरों में रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सर मैं उनके लिए कहूँगी, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मौका है अपनी सरकार को चुनने का और अपने देश का उन्नति को अवसर का बढ़ाने का। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, आज आपने सबसे पहली वोट डाली है मैंने आज। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे लोगों को? मैं ये कहूँगा कि अपना मतदान अवश्य करें और देश हित में हमेशा करें। अच्छा प्रधानमंत्री चुनने के सबसे अच्छा मौका आपको। ये जो क्राइटेरिया से दूर करेंगे सर, ये जो पोलिंग बूथ के बाहर ही लगा रखे स्टॉल, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इनको अभी हटाने के लिए आदेश कर दिए हैं, ये अपना आपको खाना लग रहे हैं, बाकी नियम हम उठा देंगे। तो उनका टाइम है इनके पास। नियम क्या कहते हैं? कितनी दूर होना कहता है? कम से कम 200 मीटर दूर हो जो पोलिंग बाउंड्री है, पास लगा रखते हैं, इनको बार बार चेतावनी दी। ठीक है। एवन पंजाबी की नई अपडेट जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और एवन पंजाबी को सब्सक्राइब करें।